choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वर्ल्ड फोर्जर अब लीग के साथ मिल चुका है। इसी के साथ ईयर ऑफ द विलन की शुरुआत होती है, जो कि एक काफी बड़ा इवेंट है, लेकिन हम यहाँ पे जस्टिस लीग के ऊपर ही फोकस करेंगे। द व्हाइट हाउस कुछ टाइम पहले की बात है। हाल फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स अमांडा ब्लेक वॉलर के दिमाग में छुपे हुए हैं, जो कि कई सारी एजेंसीज की लीडर है। सुपर विलन और सुपर हीरोज दोनों से डरती है। आज वो एक बहुत बड़े मिशन के लिए जा रही है। उसे प्रेसिडेंट से मिलने जाना है। वो प्रेसिडेंट को एक ऐसे खतरे के बारे में बताएगी जो कि ना सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ है बल्कि अर्थ और इस पूरे यूनिवर्स के खिलाफ है। वो कई बार लीडर्स को वेट करा चुकी है, यहाँ तक कि खुद प्रेसिडेंट को भी, लेकिन आज वो बिल्कुल सही टाइम पे आई है। उसने अंदर घुसते ही कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे आपसे लेक्स लूथर के बारे में बात करनी है। लेकिन उसने खुद अपने सामने लेक्स लूथर को देखा, जो अपनी टीम के साथ वहाँ आया था। हेलो अमांडा, तुम कुछ कह रही थी? अमांडा ने कहा, यहाँ क्या चल रहा है? प्रेसिडेंट कहाँ पे है? लूथर ने कहा, चिंता मत करो, वो बस थोड़ा सा बेहोश है। अमांडा बोलती है, जो अभी कुछ तुम प्लानिंग कर रहे हो ऐसा नहीं कर सकते, ये सब कुछ बदल देगा। लूथर ने कहा, ओ मैं जानता हूँ, मुझे और लेजेंड ऑफ डूम को वो सब देने के लिए शुक्रिया, जिसकी बदौलत ये सब हो पाएगा। ब्रेनियक अब तुम अपना काम करो। तो गाइस ब्रेनियक अमांडा वॉलर के दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। उसके कुछ टाइम बाद लेक्स लूथर मेट्रोपोलिस में था, जहाँ उसकी कंपनी की एक वर्कर लूथर से पूछ रही है जो कुछ न्यूज में चल रहा है। मैं जानती हूँ कि ये सच नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि आपने व्हाइट हाउस के ऊपर हमला किया। लूथर कहता है, बिल्कुल, आने वाले हफ्ते के लिए मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को बता दो कि उन्हें काम से निकाला जाता है। उन्हें अगले 5 मिनट के अंदर मेरी बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मैं खुद उन्हें मार डालूंगा। वो लेडी पूछती है, तो आखिरकार आप ये करने वाले हैं? अब सुपरमैन को मारने वाले हैं? लूथर ने कहा, ओ प्लीज, अगर तुमने इस साल कुछ भी सीखा है तो सुपरमैन से भी बहुत बड़ी चीजें यहाँ पे हैं। गाइस फिर लूथर ने देखा कि ब्रेनियक वहाँ पहले ही पहुँच चुका था। वो लूथर को बताता है कि दूसरे लोगों को चिंता हो रही है, तुमने व्हाइट हाउस के ऊपर हमला किया है, तुम अब और हमेशा के लिए एक विलन बनकर रह जाओगे। और वो आ रहे हैं, गवर्नमेंट फोर्सेज इसी तरफ आ रही हैं, वो कुछ ही मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगी। लूथर कहता है, वो पहले ही यहाँ पहुँच चुकी हैं, खिड़की से बाहर देखो, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि क्या चीज आने वाली है, कैसे इनमें से हर एक इंसान आने वाली चीज में रोल प्ले करने वाला है। ब्रेनियक बोलता है, लूथर, जो डाटा मैंने अमांडा वॉलर से चुराया है, ये प्लान आज तक का सबसे बड़ा प्लान होगा। क्या तुम्हें पक्का लगता है कि यही सही रास्ता है? लूथर ने कहा, देखो मैं लेक्स लूथर हूँ, इस वर्ल्ड का सबसे स्मार्टेस्ट आदमी, मुझे हर चीज का अच्छी तरीके से पता है। अगर तुम देखना चाहते हो कि मेरा प्लान कितना सक्सेसफुल होगा तो देख सकते हो, अपनी कैलकुलेशन करो और देखो कि कैसे हर कोई हमारा साथ देगा। मेट्रोपोलिस से लेकर सेंट्रल शहर तक ये पूरा वर्ल्ड हमारा साथ देने वाला है। देखो कि कैसे जिन लोगों के पास अपने खुद के प्लान है उन सब का नतीजा एक ही होगा। गाइस ब्रेनियक ने अपनी कैलकुलेशन करके कहा, ओह माय गॉड, मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, इस वर्ल्ड के सारे विलन्स, तुम इनके ऊपर स्टडी कर रहे थे, तुम्हारे पास इनके लिए एक प्लान है और उस प्लान की शुरुआत आज यहाँ पे होगी। लूथर ने कहा, बिल्कुल, कुछ ही सेकंड्स में मैं अपना ऑफर रखूंगा, वो समझ जाएंगे कि लेक्स लूथर ने अपनी सारी डिस्कवरीज, सारी चीजें इस वर्ल्ड के विलन्स को दे दी हैं। हर एक विलन को ठीक वही चीज मिलेगी जिससे वो अपने वाले हीरो को हमेशा हमेशा के लिए हरा देंगे। हीरोज यह तक नहीं समझ पाएंगे कि उनके ऊपर किस चीज से हमला हुआ। ब्रेनियक बोलता है, लेकिन इस प्लान के लिए तो तुम्हें, लूथर ने कहा, मैं जानता हूँ दोस्त, यही सही तरीका है। लाइफ में पहली बार मैं अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहा हूँ और ये शानदार है। अब मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, ये चीज मैं अकेले करूंगा। इस बार कैप्टन एटम कह रहा है, ध्यान से सुनो लेक्स लूथर, ये खत्म हो चुका है, अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। लूथर ने कहा, नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि मैं ही खुद को मार डालूंगा। तभी उस बिल्डिंग में एक धमाका हुआ, वहीं द एज ऑफ एवरीथिंग, इस चीज के पार, इस यूनिवर्स के आखिरी कोने के पार सिर्फ एक महान वॉइड है जो भूखे नंगों की तरह सब कुछ खाए जा रहा है। कुछ महीने पहले यहाँ पे एक बाउंड्री हुआ करती, द सोर्स वॉल, लेकिन वो टूट गई और तभी से ये वॉइड यूनिवर्स को अपनी तरफ खींच रहा है, अपने पास आने वाली हर चीज को कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो प्लैनेट्स हो, सोलर सिस्टम हो, ये सब चीजें टाइम के साथ साथ और तेजी से हो रही हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं भी जानते उन्हें भी इस यूनिवर्स में हलचल महसूस हो रही है। फिर भी जस्टिस लीग इससे लड़ने की कोशिश करती है। मार्शल ने कहा, गोराथियन सिस्टम से सभी को निकाला जा चुका है, उनके आर्क्स पूरी कैपेसिटी पे है और बस यहाँ से बचकर निकलने ही वाले हैं।
हमने कर दिखाया, गैलेक्सी के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक को बचा लिया। लेकिन शिप के अंदर बैटमैन ने कहा, नहीं जॉन, अब भी एक प्रॉब्लम है। उनमें से एक आर्क रास्ता भटक चुकी है, ये सीधा वॉइड की तरफ जा रही है। अगर ये आर्क वहाँ पहुँच गई तो उसके अंदर अरबों जाने जाएंगी। सुपरमैन कहता है, मैं संभालता हूँ। बैटमैन ने बताया कि फ्लाइट डेक अंदर से सील कर रखा है, पता नहीं कि ऐसी हरकत कौन करना चाहेगा। सुपरमैन ने कहा, यह सिर्फ एक ही बीइंग है, मैं उसे देख पा रहा हूँ, वो अंदर अकेला है। गैस सुपरमैन डेक फाड़कर अंदर पहुंचा। गैरियन मिर्डी, मैं तुम्हारा नाम पढ़ पा रहा हूँ। तुम इस प्लैनेट पे एक पादरी हुआ करते, तुमने लोगों की मदद की थी, लेकिन तुम्हारा ये काम तुम्हारे ही अरबों लोगों की जाने लेगा। मिर्डी ने कहा, सोर्स वॉल टूट चुकी है, ये परपेचुअल हमारे यूनिवर्स में फिर से जाग रही है। लाखों जाने बचाने का कोई फायदा नहीं है, उसके महान मिनियन ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चालू कर दी है। उनके लिए मौत तो सिर्फ एक दया है। लेकिन सुपरमैन ने उसे पंच किया, ये तुम्हारा डर बोल रहा है। गैस फिर सुपरमैन उस स्पेस आर्क को वॉइड से बचाकर ले जाता है। फिर वो लोग साइचिक ब्रॉड रूम बनाते हैं। मार्शन कह रहा है, सिर्फ एक सिविलाइजेशन को बचाने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ी, ये वॉइड कितने ही अनगिनत प्लैनेट्स को खाए जा रहा है। सुपरमैन ने कहा, बहुत ज्यादा। और वो प्रीस्ट, वो परपेचुअल के बारे में कुछ कह रहा था, उसके मिनियन के बारे में कुछ कह रहा था। डायना बोलती है, उसका महान मिनियन हो सकता है कि लेक्स लूथर हो, वो और लेजेंड ऑफ डूम इसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो अर्थ पे वापस घुसपैठ कर चुके हैं, चीजें खराब होती जा रही है। मार्शन ने कहा, जब तक मैं अपनी खुद की गैलेक्सी में नहीं पहुंच पाऊंगा, तब तक मैं अर्थ से कांटेक्ट नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है कि लूथर ने क्या किया होगा? बैटमैन ने कहा, ये जो कोई भी है बहुत बड़ा है, इसमें वो सब है जो लूथर के काम आएंगे। सुपरमैन पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमें भी लीग को बड़ा करना चाहिए? हमें किस किस को बुलाना चाहिए? बैटमैन ने कहा, सिंपल है, हम हर किसी को बुलाएंगे और तब हम एक वॉर लड़ेंगे। उधर स्पेस की एज से अनगिनत लाइट ईयर्स दूर अर्थ पर रियलिटी डगमगाने लगी। पर पैचुआ द मदर ऑफ मल्टीवर्स प्लैनेट गोराथ की मौत को फील कर सकती है। वो अनगिनत प्लैनेट्स को मरते हुए फील कर पा रही है। वो फील कर सकती है कि हर एक कोने में चीख और तेज होती जा रही है। ये यूनिवर्स बदल रहा है और इसके साथ साथ पर पैचुआ की जो पावर काफी टाइम से उससे छीनी गई थी वो उसके पास लौट चुकी है। वो फील कर पा रही है कि ये यूनिवर्स उसके चाहे अनुसार डूम की तरफ बढ़ता जा रहा है। लूथर का सेक्रीफाइस वो चाबी था, अब ये सबको दिखाई देगा। विलन्स जीत जाएंगे और हीरोज हार जाएंगे। रियलिटी के अंदर जस्टिस और डूम की एक वॉर होगी जो कि स्पेस टाइम के आगे पीछे हर किसी को सुनाई देगी। वो तो प्रेजेंट में चल रही लड़ाई भी फील कर सकती है। इनमें से कुछ खिलाड़ियों को वो अच्छी तरीके से पहचानती है और कुछ को नहीं, लेकिन अंत में वो सारे इवॉल्व होंगे, वो सब बदलेंगे, ठीक जैसे उसकी आंखों के सामने उसका बेटा बदल रहा है। पर पैचो ने कहा, हाँ लेक्स लूथर, अपने आप को वो बनने दो जो तुम हमेशा से ही बनना चाहते थे, कुछ शानदार। और गाइस ऐसा ही होगा, बुराई आगे बढ़ेगी, सब कुछ बदल जाएगा। ये साल पर पैचो का साल होगा, ये ईयर ऑफ द विलन होगा। तो गाइस उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। ये हम करते हैं 2700 व्यूज या फिर 650 लाइक्स के लिए।